नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि स्पिनच यानी कि पालक को कैसे अच्छे तरीके से हार्वेस्ट किया जाए। वैसे तो सिंपल है कि हम पालक को कहीं से भी कट कर सकते हैं, किसी भी सीजर से या किसी भी चाकू से। किसी भी कुछ लोग बोलते हैं कि इसको ऐसे हार्वेस्ट करो, ऐसे हार्वेस्ट करो, वो कोई मायने नहीं रखता। चाहे आप इसको किसी सीजर से करो या किसी भी चाकू से करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है। अगर हम उस चीज़ को पे ध्यान दें तो हम जो सेकंड कटाई है पालक की, वो जल्दी ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा स्पिनच होता है, ये स्पिनच की 3-4 कटाइयाँ होती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि ये सेकंड कटाई में ये जल्दी तैयार हो जाए, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ वैसे जो कुकम्बर का जो सेकंड कटाई का टाइम होता है, वो लगभग 15 से 21 दिन होता है। एक बार हमने इसको हार्वेस्ट किया तो 15 से 21 दिन के बाद हम इसको दोबारा से हार्वेस्ट कर सकते हैं। फिर 15 से 21 दिन के बाद यानी 2 से 3 वीक में दोबारा से हार्वेस्ट कर सकते हैं। वो अगर हमने इसको ढंग से हार्वेस्ट नहीं किया, सही तरीके से सही जगह से हार्वेस्ट नहीं किया, तो फिर ये जो कटिंग है, जो सेकंड हार्वेस्टिंग है, वो आपकी 30 दिन भी जा सकती है, उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे हार्वेस्ट करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा पास लेके आए। देखिए, ये हमारा जो पालक का प्लांट्स है, अब हमने चाकू लिया है, अब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। ध्यान रखना है थोड़ा सा कि हमने जो ये हार्वेस्टिंग है, ये थोड़ा ऊपर से करना है, बिल्कुल रगड़ के नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से करना है। लगभग हमने इसको 1 इंच से लेकर के 2 इंच के बीच से इसको इस तरीके से हार्वेस्ट करना है। ठीक है, ये हार्वेस्ट हुआ। अभी देखिए इसमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखिए आप, ये छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, और छोटी छोटी लीफ है, ये निकल रही हैं यहाँ पे, ये लीफ है, ये छोटी छोटी लीफ है इसके अंदर। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये लीफ कट नहीं हुई है। इसके नीचे ये लीफ है, ये भी कट नहीं हुई है, ये लीफ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये नहीं है। अब ये लीफ जो है, लगभग 15 दिन के अंदर, 15 से 21 दिन के अंदर दोबारा से बड़ी हो जाएंगी और आपका पालक जो है दोबारा से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम इसको रगड़ के कट कर देते हैं, जैसे कि ये है हमारा प्लांट, हम इसको पूरा से पूरा बिल्कुल रगड़ के, नीचे से हमने इसको नीचे से हार्वेस्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी लीफ थी, छोटे छोटे जो भी आप पत्ते देख रहे थे, वो सारे के सारे कट हो चुके हैं। अब यहाँ पे, अब इस पौधे को हफ्ते से 10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगी, जो छोटी छोटी और लीफ निकलेंगी उनको बड़ा होने में, इसको फुटाव करने में टाइम लगेगा। और इसके बजाय अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लीफ हैं जो कि कटी नहीं है। पालक की लगभग हम बात करें 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक ये छोटी छोटी नीचे लीफ होती हैं। अगर इनको हम बचा लेंगे तो हमारा जो पालक होता है वो दोबारा सेकंड टाइम के लिए 15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में आपका फिर से इतना ही बड़ा हो जाएगा, फिर से हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है पालक को हार्वेस्ट करने में, बस छोटी सी गलती है जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो इस तरीके से आप पालक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स का मजा ले सकते हैं। थैंक यू।